दोस्तों बात करने वाले अदानी ग्रीन स्टॉक के बारे में। देखिए अदानी ग्रीन के रिलेटेड अभी टाइम दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। कंपनी दोस्तों मर्जर करने जा रही है एक अपनी जो यहाँ पे जो अदानी ग्रीन को लेकर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे अदानी ग्रीन की सारे कई सारी कंपनी है तो उन सबका दोस्तों कंपनी अपने अंदर विलय करने जा रही है। पूरा अपडेट हम यहाँ पे देख बताएंगे आपको दोस्तों कि कौन कौन सी कंपनी है जिसका कंपनी यहाँ पे विलय करने वाली है। तो जैसा कि देखिए टाइम आप देखोगे अदानी जो ग्रीन है इसमें वोलेटिलिटी अपने को नजर आई। कल एक बढ़िया तेजी थी, आज यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हमें देखने को मिला। बात करें यहाँ पे स्टॉक की वॉल्यूम की, धमाकेदार वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। एंड जो वॉल्यूम देख सकते हो 17 लाख के आसपास की वॉल्यूम क्रिएट हुई। इसके साथ जो एमओ का डाटा है अभी के टाइम नेगेटिव 10,000 शेयरों के साथ शेयर होल्डर में देखने को मिल रहा है। डाटा अगर देखा जाए ऑल राउंड दोस्तों डिलीवरी वो धमाकेदार है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज डिलीवरी ऑल राउंड 47% की हमें देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से अगर ये 2,000 चला जाता है तो बड़े प्लेयर को 2,000 पे खरीदना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से ही थोड़ा कंसोलिडेट करता है, रिटेलर्स पैनिक होते हैं तो बड़े प्लेयर को सस्ता ही मिल जाएगा, यहाँ से 1,500 पर ही मिल जाएगा। तो फायदा किस चीज में, 1,500 पे लेने में या 2,000 लेने में, 1,500 पे लेने में। तो बड़े प्लेयर वही चीज यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड डिलीवरी में आपको यहाँ पे समझ सकते हैं कि डेली बेसिस पे 6-7 लाख यहाँ पे जो भी रिटेल शेयर की बिकवाली कर रहे हैं वो यहाँ पे बड़े प्लेयर यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो भी टाइम ये कि लॉन्ग टर्म वालों को तो छेड़ना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों ने अगर पहले ज्यादा लेवल पे खरीद रखा जैसा कि 2,500-3,000 पे तो वो अभी के टाइम एवरेज कर सकते हो, क्योंकि एवरेज का ये बेस्ट मौका है क्योंकि यहाँ से कई सारी चीज अपने लिए क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों अपडेट आपके सामने, अदानी ग्रीन ने की दो स्टेप डाउन सब्सिडियरी कंपनियों की मर्जर की घोषणा। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप मर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा अदानी ग्रीन की दो सब्सिडियरी कंपनियां उनका। देखो डाउन उसमें तात्पर्य से पता चल गया अनुसार की, सॉरी दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे अपडेट पूरा हम आपको बता देते हैं अपडेट क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी ने दो स्टेप डाउन अनुसंग कंपनी को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी निफ्टी 1 लिमिटेड, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी निफ्टी 5 लिमिटेड के विलय की यहाँ पे गुरुवार को ये घोषणा करी थी शाम को। एंड इसी के साथ देखिए स्टेप डाउन अनुसंग की कंपनी के तात्पर्य प्रत्येक अनुसंगी कंपनियों से है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार को दी जानकारी बताया कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसंगी कंपनियों अदानी सौर ऊर्जा एंड इसी के साथ दोस्तों लिमिटेड 13 दिसंबर 2023 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसंगी कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी निफ्टी 1 लिमिटेड का विलय कर लेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये विलय होने वाला है, विलय इन्होंने कर लिया है यहाँ पे 13 दिसंबर को, उसकी अपडेट इन्होंने दी है कल शाम को यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे दो कंपनी का विलय होने का मतलब है कि कंपनी का यहाँ पे जो एसेट्स है वो बढ़ना, मतलब कंपनी की टोटली वैल्यू बढ़ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, जो कंपनी का जो ये दोनों कंपनियां हैं ये मिला के क्या कर रही थी पहले, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे रेवेन्यू प्रॉफिट, वो अब यहाँ पे अदानी ग्रीन के रेवेन्यू प्रॉफिट में इंक्लूड होने वाला, तो ये यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, ये अपडेट सबने देखा। जैसा कि आप देखोगे दोस्तों जो नई अनुसूचित कंपनियों का मुख्य काम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एंड ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके किसी भी प्रकार की बिजली का या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना था, विकास परिवर्तन वितरण संचालन बिक्री आपूर्ति करना है। तो यहाँ पे ये दोनों कंपनी भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में ही हमें देखने को मिल रही है। एंड ये अपडेट अभी के टाइम हमें देखने को मिला है। जिसी के साथ दोस्तों अभी के टाइम अगर अदानी ग्रीन का हम डाटा देखें, अदानी ग्रुप के रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि अदानी ग्रुप का जो कैश रिजर्व है दोस्तों 45,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो यहाँ पे कैश रिजर्व लगातार कंपनियों का बढ़ रहा है, पर जो डेप्थ है वो वही का वही यहाँ पे अभी के टाइम दिख रहा है। मतलब कर्जा अदानी ग्रुप ने ज्यादा कहीं कम यहाँ पे नहीं किया है। देन जैसा कि ग्रुप के आज वॉलेटिलिटी के बारे में बात कर ले यहाँ पे, तो आप देख सकते हो दोस्तों साफ साफ यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे करेक्शन है, ज्यादा कोई बड़ी तेजी नहीं दिखी है। बट अदानी ग्रीन ने यहाँ पे अराउंड 1.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग दे रही है। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगा, बड़े प्लेयर खरीद रहे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। पॉजिटिव अपडेट आने दीजिए, एक बढ़िया आपको बड़ा धमाका अभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम जो RSI 72 का हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही कुछ अच्छी अपडेट यहाँ पे मिलेगी तो दोस्तों एक बड़ा धमाका यहाँ से आपको दिख जाएगा। अभी के टाइम देखो बाय का एक मौका आपको दिया जा रहा है यहाँ से, जैसा कि ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी नहीं हुआ स्टॉक, तो हम इसको एक रीटेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अगेन बढ़िया रैली यहाँ पे दिखेगी। तो अभी के टाइम लॉन्ग टर्म वालों का जिनका व्यू है वो देखिए पेशेंस रखिए एंड जल्दबाजी यहाँ से मत करिए, क्योंकि एक बड़ा धमाका यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। एंड शॉर्ट टर्म वालों की बात करें तो देखो अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता आपको यहाँ पे 1,500 से नीचे वापस अगर मिलता है तो एंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ पे भी आप खरीदना चाहो तो यहाँ पे हम अपना 60% अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वोट नीचे आता है 1,500 के नीचे 1,400 के आसपास आता है तो वहाँ पे 40% अमाउंट फिर से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो लॉन्ग टर्म वाले वो तो पेशेंस रखेंगे रखेंगे।